अच्छा, तो बात हो रही थी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चूज सिंगल आंसर। हमने 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 एक आंसर चूज करना है। हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखी होगी और स्टेटमेंट के साथ हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे या पांच ऑप्शंस होंगे। उसके बाद होगा क्या कि 5 सेकंड्स के बाद एक रिकॉर्डिंग चलनी स्टार्ट हो जाएगी और उस रिकॉर्डिंग के अंदर ही इस चीज का आंसर होगा जो कि क्वेश्चन आपको लिखा होगा। तो जो आपके पास 5 सेकंड्स होंगे, उस 5 सेकंड्स में आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ थोड़ा सा बर्ड आई व्यू करेंगे ऑप्शंस का, क्योंकि 4 से 5 सेकंड में इतना आपके पास वो टाइम नहीं होगा कि आप सारी के सारी ऑप्शंस को देख सकें। अक्सर ऑप्शंस लंबी होती है, अक्सर ऑप्शन छोटी होती हैं। बट अगर मैं सारे क्वेश्चंस को कहूँ तो ये क्वेश्चन डूएबल है, ये क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या सिंपल के जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चल रही होगी, आपने रिकॉर्डिंग की बेस के ऊपर अपने आंसर को जो है वो टिक करना है, और जैसे रिकॉर्डिंग खत्म होगी टिक करेंगे और आप नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अभी करते भी हैं। अब रीडिंग में क्या था, मैंने आपको कहा था कि बच्चों आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने डायरेक्ट सी ऑप्शन लगा देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अब लिसनिंग के अंदर हमारे पास इश्यू ये है कि जब तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी, रिकॉर्डिंग के खत्म होने तक हम अगला बटन नेक्स्ट का अगर दबाएंगे तब भी नेक्स्ट पर नहीं जाता। इट मींस के जितनी देर रिकॉर्डिंग चलनी है उतनी देर आपको उस क्वेश्चन पर स्टे करना है। अब देखो यार, जब क्वेश्चन पर स्टे ही करना है तो ये अच्छा नहीं कि हम थोड़ा सा दिमाग यूज कर लें और कोशिश करें कि हम सही ऑप्शन लगाएं। अगर तो सही ऑप्शन लग जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लगती तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स की बात की जाए तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक मार्क मिलना है एक क्वेश्चन का। तो एक मार्क को ढूंढने के लिए अगर आप 3 से 4 मिनट लगाते हैं रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद, तो वो सिंपल मैं कहूंगा कि वक्त वक्त को जाया करने वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है जी, वो जी बच्चों सर, समझ आ रहा है? समझ आ रही है कि सो रहे हो दोनों? मेरे सर आ रहे। यस बाकी बात है, ठीक सर, होगा। हम क्या कर लेते हैं, हम एक आदि एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सर आवाज नहीं आ रही सर। यार मैं बोल नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? ओके सर, ओके। हाँ इमरान, लगता है आपका भी ना मेरी तरह संडे का मंडे, और अभी यार, मेरे नेट का असल में मसला होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं, फिर बाद में जब तो ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, इस तरह का इशू हो जाता है। बिजी हो जाता बिलाल, फिर दोनों एक। जी। इमरान क्या कह रहे थे आप? वैसे मैं कह रहा था, मैंने कहा दोनों का एक ही इशू है ना, हाँ जी, ऐसे ही है। ज्यादा बिलाल जी, ऐसे
अच्छा ये देखें, आपको हल्की सी रिकॉर्डिंग आ रही होगी, समझ आप लोग से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखें हो क्या रहा है कि एक ये स्टेटमेंट है और उसके बाद हमारे पास ये चार आंसर लिखे हैं, साथ हमारे एक रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जब तक ये रिकॉर्डिंग बच्चों चलेगी, उस रिकॉर्डिंग के चलने तक हम लोग नेक्स्ट दबाकर अपना टाइम नहीं बचा सकते। इट मींस के जो टाइम इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग में उन्होंने फिक्स किया है, उतने टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग सुननी है। तो उससे होता ये है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें हमने एक आंसर चूज करना होता है, जब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो हमारे पास चांस होता है 50% तक कि हम सही आंसर चूज कर लें। मेरी सजेशन आपको इस क्वेश्चन में यही होगी कि रिकॉर्डिंग को ध्यान से पढ़ें और रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आप ये ऑप्शंस भी पढ़ते जाएं, ऑप्शंस पढ़ते जाएं। लेट सपोज आप ये ऑप्शन लगाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके आपको लगता नहीं कोई और बात कर रहा, तो आप दूसरी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ये इतना इशू नहीं है। लिहाजा जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि हम नेक्स्ट के बटन दबा के अगले क्वेश्चंस पर नहीं जा सकते, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आप आंसर्स देखें, जो आपको आंसर ठीक लग रहा है वो लगाएं, और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हो तो एक दो सेकंड के बाद, बल्कि मैं इतना भी नहीं कहूंगा, साथ ही आप नेक्स्ट का बटन दबा दें। जितनी देर रिकॉर्डिंग चलती है, अगर आंसर मिल जाता है वेल एंड गुड, आंसर लगा दें और नेक्स्ट का बटन दबा दें। बस किस सिनेरियो, अगर रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, आंसर का नहीं पता चल रहा, सी आंसर तो सी का ऑप्शन लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं। आप लोगों की क्लेरिफिकेशन के लिए एक और, ये देखें अभी 5 सेकंड्स में खत्म हो रहा है। साथ ही व्हाट इज स्पीकर मैन टॉपिक, there are actually two main kinds. First-hand surprise happens when there's a difference between a new piece of information and a previous knowledge. For example, someone knocks on my door and it's my best friend, who I believe is living in Berlin, and I'm surprised because I didn't expect to see him. The second kind of surprise goes deeper. It's caused when an event contrasts with my long-term knowledge and expectations. If, for example, a police officer enters my house to arrest me when I've done nothing wrong, I'm surprised, not just because I didn't expect this event. The event destroys some strong beliefs I had that the law is fair. So I feel surprised because of a failure in my knowledge. हाँ जी, कोई समझ आई है कि क्या आंसर होना चाहिए? ये देखें, मैंने सही आंसर लगाया नीचे से देख के। बहरहाल जी देख लें, फिर देख लें, ये तो तुक्का है, लेकिन सी ऑप्शन ही फिर ठीक निकला इधर भी है। ना करे ऐसे तुके पेपर में भी चल जाए यार। बस बिलाल तुम सोचोगे अगर ऐसा ना, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। सोचोगे ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला। वो बहुत है ना बंदा, और मेरी तो किस्मत ही भैड़ी है, मेरी तो किस्मत ही भैड़ी है, वो कहते कहते उसकी वाकई भैड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा होगा, इसलिए अच्छा सोचा करो। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता, फिर तो यही होगा ना। फिर वही बात, वो कभी कभार को छोड़ दे यार, जो अच्छी चीज है उसको सोच। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो फिर तो आपने कहना है, मैं तो पहली सर को कहा था कि हम मेरे साथ तो होना ही यही है, तो फिर वही होना है। अच्छा सोच तो सही है, ठीक है। अच्छा इस ये क्वेश्चन की आपको समझ आ गई ना साइकी के, इसमें हमने करना क्या, ठीक है। इसमें जो है वो आई थिंक मजीद को समझाने वाली बात है नहीं, हम अगले जो है वो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन कितने आएंगे और नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ये? जो मैं अभी मल्टीपल चॉइस में जो मल्टीपल आंसर्स हैं उसके ऊपर आने लगूं, जहां तक सिंगल अगर हम आंसर की बात करें जो कि हमने अभी तक कवर किया है, तो बच्चों इसके अंदर एक क्वेश्चन का मिलना है आपको एक मार्क, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आने हैं वो आने हैं आपको 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इट मीन्स के मल्टीपल चॉइस विद सिंगल आंसर, जिसमें सिंगल आंसर ठीक है, उसके टोटल नंबर है 2।
नहीं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, क्योंकि लेट्स सपोज इसके अंदर अगर हमारे पास ये ऑप्शन, लेट्स सपोज ऑप्शन बी ठीक है और आपने लगाई है ऑप्शन सी, तो आपको जीरो नंबर मिल जाएगा बस, नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा आगे अगर आगे आते हैं हम, जिसमें हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि हमने करना है चूज, एक मिनट बच्चों प्लीज, बिलाल क्या हाल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सुना। बिलाल प्रैक्टिस टेस्ट कोई आपने अटेम्प्ट किया? अभी तक नहीं किया। अच्छा यार वो तो बड़ी प्रैक्टिस टेस्ट मैंने कुछ किए हैं लेकिन वो तो बड़ी अजीब सी वो सूरत हाल हो जाती है उसमें तो वो राइटिंग राइटिंग के रिटन टेक्स्ट जो है ना उसमें ऐसे ही है वो सॉफ्टवेयर, कभी मैंने एक दो में देखा है वो कभी ना जब जिस तरह वो समराइज करो ना कि कोई फर्स्ट लाइन को उठा लो फिर दरमियान में से उठा लो वो कंजक्शन लगा के उसमें करो, कभी कभी वो नंबर पूरे दे देता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, तो पता नहीं क्या उसकी थिंकिंग है। मुकम्मल तो इस तरह कोई भी नहीं किया मैंने, वो तो मैंने तीन तीन चार चार पांच पांच किए हैं हर एक के, पांच से ज्यादा नहीं किए लेकिन मतलब पांच स्पीकिंग का किया है, पांच चार पांच राइटिंग के किए हैं, तीन चार उसके रीडिंग के और दो लिसनिंग के किए हैं। मैंने जरा चेक करके देखा है कि नंबर क्या क्या किस तरह सीन है, तो ऐसे राइटिंग में जो है ना थोड़ा मसला है उसमें, उसको हमें थोड़ा सही करके देखना पड़ेगा वो, क्योंकि जब तक ऐसे राइटिंग में नंबर नहीं ना आते तो ओवरऑल राइटिंग में नंबर नहीं मिलेंगे सही, और ऐसे राइटिंग में दो हमारे पास मेन प्रॉब्लम होंगे, एक तो उसकी नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कैसे पूरा करते हैं उस टाइमिंग में, और दूसरा यह है कि हम लिखते भी अगर सही लिखेंगे यानी जो उसने पूछा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो नंबर देता है सॉफ्टवेयर, वरना नहीं देता वो, यानी ऐसा नहीं है कि हम फर्ज करो टेलीविजन के ऊपर आया है तो हम उसको किसी और तरीके से लिख लो कि बस वर्ड पूरे कर दें और कर दें, तो वो नहीं करता उसको एक्सेप्ट। समझ गए ना? हाँ जी जी मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है तो वो फिर चलो क्लास के बाद जरा डिस्कस करते हैं। हाँ इंशाल्लाह जरूर, रीऑर्डर वो तो बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस की थी मैं लेकिन मुझे बड़ा मसला आया, रीऑर्डर पैराग्राफ वाली भी जी। मसला आया उसमें? हाँ जी उसमें ना उसमें बाज़ोकात एक दो ऐसे पैराग्राफ होते हैं वो समझ नहीं आ रही है, तो मैंने भी चेक किया है कि उसमें ऐसा लग रहा होता है कि इसके बाद ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल हम अपनी तरफ से लगा लो तो वो फिर देखें तो दूसरा होता है, और उसमें फिर ये भी सीक्वेंस है ना कि सीक्वेंस खराब हो जाए तो फिर नंबर भी उस हिसाब से करते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, यानी उसमें पेयर के नंबर मिलते हैं। हाँ
अब एक पैरा भी आगे पीछे हो गया तो वो इसका मतलब है दो पैर आपके खराब हो गए, ऐसी बात है। वो सीधा सीधा ज्यादा इसमें बस वो मैं ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है ना, बस उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि उसको जो क्लियर कर सके। एक्चुअली इंडिविजुअल जैसे हम प्रैक्टिस टेस्ट जैसे मैंने किए ना, इनसे इतना पता नहीं चलेगा कि हमारे नंबर किस तरह आ रहे हैं। हमें जब जो मॉक टेस्ट है ना वो एक दो करेंगे ना, तो फिर हमें सही पता चलेगा हम किस स्टेज पे लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मॉकअप टेस्ट पूरा जो वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है ना, कि यानी रीडिंग के सेक्शन कर रहे होंगे, उसमें हमें स्पीकिंग राइटिंग के नंबर मिल रहे होंगे, वो उसमें ऐड होंगे उस हिसाब से ऐड, तो सेपरेट सेपरेट करो तो वो उस हिसाब से तो पता नहीं चलता कि किसमें कितने ऐड हो रहे हैं, किसमें कितने ऐड हो रहे हैं। वो तो सेपरेट ही हमें बता देता है कितना मार्क्स आए हैं। तो मॉकअप टेस्ट जब कंप्लीट करो तो फिर आपको पता चलता है कि आपने कहाँ से नंबर गेन किए हैं, कहाँ से लूज किए हैं। उसका अगर किसी सेक्शन में हमें स्पीकिंग में नहीं मिल रहे तो स्पीकिंग का किसी और सेक्शन में से मिल जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल इंटरलिंक है ना सारे। हाँ, तो वो जब हम एक दो मॉकअप टेस्ट कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर हमें सही आइडिया होगा कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और हम कितने परसेंट हमारे पास चांस है कि हमारा रिक्वायर्ड स्कोर आए, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये चीजें हैं जो करती हैं, बस मसला इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस से होना ही चाहिए। हाँ, वही है ना, जो फ्राइडे वाली सर की क्लास होगी ना, जो उसमें सर जो बताएंगे जिस हिसाब से तैयारी करनी है, वो सर जब डिस्कस करेंगे ना, वो मेन होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जिन पे हमें, वैसे तो सर ने वैसे बताया, हर एक क्लास में बताया, लेकिन कौन कौन से नंबरिंग वाले क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रैक्टिस वाले हैं, हमने किन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो फिर फ्राइडे वाले जो क्लास होगी उसके सर जो बताएंगे ना, तो वो रिव्यू ले लेंगे ना, तो वो तो आगे हमारे माइंड में भी होगा और प्रायोरिटी देंगे कि इस पे एक दफा रिमाइंड करवा देंगे ना, तो वो इजी हो जाएगा। सॉरी बच्चों, आज जो है ना अल्लाह हालत थोड़ी खराब है। बहरहाल, अच्छा, हम बात कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर हमने चूज करने होते हैं मल्टीपल आंसर्स। अच्छा, मल्टीपल आंसर्स का मतलब क्या है बच्चों? मल्टीपल आंसर्स का मतलब यह है कि हमारे पास क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सेम है, सिर्फ हमारे पास अगर इस तरह से ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ, तो हमने सिर्फ एक चीज करनी है, हमने मल्टीपल आंसर, मल्टीपल का मतलब क्या है, मोर देन वन, हमने कम से कम दो ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा कि हमारे पास कुछ भी इस तरह से इधर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने सुनना है और सुनने के साथ साथ आंसर लगाना है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा हमारे पास क्या जुगाड़ मौजूद है, वो ये है, ये चीज अभी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि पीटीई ने ये लिखी नहीं हुई, ठीक है, और इवन के पीटीई से पियर्सन से रिक्वेस्ट भी की थी, उन्होंने इसका आंसर हमें नहीं दिया। बट जब एक पूरा एक लेक्चर आप सुन रहे होते हो ना इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जो वो आपको डिस्कशन कर रहा होता है ना, वो ऑप्शंस की जो तरतीब दी होती है ना, उसी तरतीब के हिसाब से वो 90% लेक्चर में डिस्कशन कर रहा होता है। समझ आ रही बात की? कि लेट सपोज इस क्वेश्चन के अंदर उसने बात की है, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, सिटीज की, इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है, सॉरी इस ऑप्शन में, माय बैड, इस ऑप्शन में वो बात कर रहा है बच्चों टाउन्स की, ठीक है, इस क्वेश्चन में वो इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट की, तो होगा ये कि जब वो रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो रिकॉर्डिंग में पहले वो सिटीज का जिक्र करेगा, फिर वो टाउन्स का जिक्र करेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करेगा। इट मींस के जो पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग का सीक्वेंस होता है ना, वो आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके आंसर की सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज को पीटी नहीं मानता, लेकिन ये चीज ऐसे चलती है और 100% काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो, आपके पास तो 5 सेकंड होते हैं और 5 सेकंड के बाद साथ ही आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब ये बात तो मानने वाली है कि बच्चे के सजी 5 सेकंड के अंदर हम कैसे सारी ऑप्शंस पढ़ के कैसे आंसर टिक करें, जो कि फेयर एनफ है। तो इसका इजी सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ पढ़ते भी रहो,
कि जैसे पहली शुरू में अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो ऑप्शन ए का जिक्र करेगा, थोड़ी आगे चलोगे तो ऑप्शन बी का, फिर सी का, फिर डी का, मैक्सिमम वो या क्या करता है कि वो एक ऑप्शन का अक्सर फर्क डाल देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कि लेट सपोज उसने सी की बात की, उसके साथ ही वो ऑप्शन ई के बारे में कुछ कहना शुरू कर देगा और ऑप्शन डी को स्किप करेगा, उस पर बाद में आएगा। अब वो बात ऑलमोस्ट हर ऑप्शन के बारे में करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके एग्जैक्ट एक या एक से ज्यादा दो से तीन ऑप्शन ही सही होंगे, सारे ऑप्शन ठीक नहीं होंगे। अगर सारे ऑप्शन ठीक हो जाए फिर तो क्वेश्चन का लॉजिक ही खत्म हो गई। वो ऐसे ही है ना बच्चों? जी सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक वही चीज है जो कि मैंने आप लोगों को बच्चों पहले बताई हुई है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का सिंपल सोल्यूशन क्या है कि अगर आप ऑप्शन ठीक लगाओगे तो प्लस वन, अगर आपने ऑप्शन गलत लगाया तो उसका आपको मिलेगा माइनस वन, एंड दैट्स इट। तो अगर लगाया ही नहीं, मल्टीपल नहीं लगाया, एक ही लगा लिया वो सही था, दूसरा लगाया ही नहीं, उसके इसमें जीरो, उसके उसमें आपको जीरो है, उसमें आपको माइनस वन नहीं है। जी सर। और समझ आ रही बच्चों का? कोई नहीं आ रही? यस सर आ रही है। चलें, अच्छी बात हो गई है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, हम एक आधा जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये शुरू होगा क्वेश्चन, आपने देखना विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर अचीव्ड बाय Gemini. Space became another arena for competition after the Soviet Union launched Sputnik, an artificial screen is showing, sir. Felt humiliated. The Soviets launched a rocket that could have easily carried a nuclear bomb. The United States did not even launch its first satellite, Explorer 1, until 1958. The already gloomy public mood took a turn for the worse when the Soviets placed the first man in orbit in 1961. President Kennedy's answer to this was to commit the United States to land a man on the moon and bring him back before this decade is out. In August 1962, John H. Glenn Jr. was the first American to orbit the Earth. In the mid-1960s, U.S. scientists used the Gemini program to look at the effects of extended spaceflight on man. Gemini, Latin for twins, carried two astronauts, one more than the earlier Mercury series and one less than the Apollo spacecraft. Gemini achieved several firsts, an eight-day mission in August 1965, the longest space flight at that time, and in November 1966, the first automatically controlled re-entry into the Earth's atmosphere. Gemini also accomplished the first manned link-up of two spacecraft in flight, as well as the first U.S. walks in space. The Apollo project achieved Kennedy's goal. In July 1969, with hundreds of millions of television viewers watching around the world, Neil A. Armstrong became the first human to walk on the surface of the moon. सर एक सी ऑप्शन है। आपको क्या लगा? सी ऑप्शन है। सी जर सर। सी और ए। लेकिन हमें अच्छा सी और ए आपको लग रहा है? ठीक है। जी सर। आप ही यही होंगे। चलो देख लेते हैं। अब इमरान साहब कैसे जो है वो गलत हो सकते हैं? और आप ठीक हैं? ए और सी ही सही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अच्छा मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखी है बच्चों के जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो इतने सिंपल नहीं आते। सिंपल आने से मुराद ये है कि आते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन उनके आप कह लो कि जो ऑप्शंस की लेंथ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप अपने जहन में इतना ईजी क्वेश्चन के फॉर्मेट को मत बना के कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल आता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम इधर बात कर रहे हैं क्वेश्चन के सीखने के, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, वो किया कैसे जाता है। तो लिहाजा उससे रिगार्डिंग अगर आप लोगों को अभी भी कोई इश्यू आ रहा है तो काइंडली मेरे से पूछ लें। सर एक थोड़ा चीज पूछनी थी मैंने।
सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर ये जब क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि फर्ज करो रीडिंग का या कोई इस तरह का कोई यही क्वेश्चन लेट्स सपोज प्रैक्टिस करूँ उसमें, तो मैं पहले दिन 5 या 10 करता हूँ, तो अगले दिन जब मैं अगर करता हूँ तो 10 के बाद अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो डायरेक्ट कोई मेथड नहीं स्टार्ट करने का, वो होता है ऐसा है कि वो सारे 1 by 1 स्किप करने पड़ के नेक्स्ट, लेकिन बाज औकात वो होता है कि फिर ये फिनिश का ऑप्शन आ जाता है फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते। सर मेरा क्वेश्चन समझ गए सर? जी जी बिल्कुल, मैं आपका एक्चुअली ये चीजें वक्त के साथ साथ आती है, ये क्यूरी मेरे से पहली दफा रेज हुई है मेरे साथ, ठीक है। अब मेरे पास इसका कोई इमीडिएट आंसर नहीं है अभी आपके लिए, लेकिन मैं पूछ दूंगा मैं आईटी सेक्शन से कि अगर वो कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे मैं आपको मुझे नहीं है उसका पता। यानी सर जी सर क्वेश्चन है उस सीक्वेंस में तो मैं 50th सर्च करना चाहूँ उसको तो डायरेक्ट 50 लिख के वो वाला आ जाए वहां से स्टार्ट करना, अगर इसके अंदर कोई सलूशन अवेलेबल है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ फ्राइडे को शेयर कर दूंगा। ओके सर थैंक यू। अच्छा अभी बच्चों हमें जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो फ्राइडे पे ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो है आपने अभी ये क्वेश्चंस हैं, मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन को मैं एम्फसाइज इसलिए नहीं कर रहा, अब तक एम्फसाइज तो कर रहा हूँ, लेकिन मेन आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन एडिशनल टाइम निकाल के करें। जो मैंने आपको चीज बताई है कि आप लोग राइट फ्रॉम डिक्टेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करें, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी अभी थोड़ा कोई प्लानिंग का इशू है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो हमारी फ्राइडे वाली क्लास है उसमें हम थोड़ा प्लान करें। मैं आपको कुछ प्लान दूं, प्लान इन अ सेंस के हम हर सेक्शन के ऐसे क्वेश्चंस निकाल लें जो के हमें उस सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट देंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम फिगर आउट कर लें जो के शायद हमारे लिए सिर्फ टाइम वेस्टर है। हमने टाइम वेस्टर क्वेश्चंस को ये नहीं समझना कि ये कैजुअल क्वेश्चंस है, उनको करना नहीं ठीक, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस की जो प्रायोरिटी है ना उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बच्चों बात समझ रहे हो? सर हम यही चाह रहे हैं कि सर फ्राइडे वाली उसमें आप एक रोड मैप दे दें हमें कि इस तरह आप प्रिपेयर हों, क्योंकि हमने प्रिपरेशन वो जो भी पढ़ना है वो तो आपने करवा दिया है, अब हम खुद से किस तरह एक तैयारी करें सीक्वेंस से, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं, वो आप हमें सर दे तो इजीली हो जाएगा हमारे लिए इंशाल्लाह। ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करनी है, बस आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ काम करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरी यार थी एक तो एक कल भी क्लास नहीं होगी उसके लिए अपोलॉजीज, आज भी मैं इसी प्लान के साथ आया था कि मैं 4 क्वेश्चन आपको कवर करवा पाऊंगा, लेकिन आई हैव सम इश्यूज, इसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं करवा पा रहा आप लोगों का, ठीक है सर। मुझे लगता है कि आप और भी काफी लेक्चर अटेंड करते हैं। ऐसे ही है, थोड़ी सी जो है वो इश्यूज हेल्थ के चल रहे हैं। यस सर वही मैं आपसे पूछ रहा था कि दे सर आपको आपसे तो सर हमारी बाहर है जी सर। ये अभी जिससे रात को बात करते हैं ना उसको बोलना गलत जगह बोल रहे हो। सर मैं भी ये कहने लगा था लगता है इसकी शादी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आपसे ही बाहर है सर, आपने तो हमें पास करवा के देना है, आपने तो स्ट्रेटजीज बताई हैं। नहीं मेरा मैं इसको बिलाल को यही कहने लगा था कि सर अब लगता है अभी इसकी शादी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, वरना ये कभी जरूरत ना करता ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कहने लगा, मैं सोच रहा था कि लगता बिलाल बिल्कुल आइसोलेशन में क्लास लेता है कि इसको कोई डर नहीं है, इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने बिलाल किसी होस्टल में बात की, आपने किसी होस्टल में ले ली? नहीं सर नहीं बिलाल ऐसे अल्फाज बड़े चुनाव के साथ किए जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा आप भी मुझसे काफी मैच्योर हैं, फिर आप मैं कम मैच्योर हूं, फिर इसी वजह से। नहीं बिलाल भाई ये तजर्बे से सीखना चाहिए, सीखें ये अभी अगर ऐसा बोल सकते हैं तो जितनी देर बोल सकते हैं बोल लें, उसके बाद वरना ऐसे अल्फाज
ऐसे वर्ड्स आप आपको संभाल के रखना पड़ेंगे, ये वोकैबुलरी बहुत काम आती है. आप भी मतलब कहेंगे कि मैं भी कभी बोला करता था ये. सही, मेरे लिए तो अब हार रही हैं, आपने बताया सारा प्रिपरेशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, मेरे लिए तो यही है. जी बच्चों बस आप मतलब कि आप लोग बस मेहनत करके जो है वो पास हो जाओ, तो बस उसी में जो है ना हमारी खुशी है. वर्ड की फाइल में आपको फॉरवर्ड किए थे, तो उसका काइंडली फीडबैक जो है ना वो दे दीजिए. आप मुझे बस ये बता दें कि वो जो 6 रिकॉर्डिंग्स है वो आपने कहां से की थी. सर वो दूसरा जो पोर्टल नहीं था दिया आपने, वो चाइनीज से जो आपने उधर से, इवन के मैंने फाइल पे मैंने टोटल रिकॉर्डिंग जो थी ना, जो रिकॉर्डिंग था जो पैसेज वो कॉपी किया, उसके बाद जो मैंने खुद से जो कीवर्ड कॉपी किया जो कुछ लिखा नीचे मैंने वो पेस्ट किया हुआ, यानी ऊपर आपको प्रॉपर पैराग्राफ में मिल जाएगा कि टोटल रिकॉर्डिंग ये थी, इसमें से जो पिक किया वो ये किया. चलें ठीक है. दूसरी चीज ये इमरान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कांडी, मुझे जरा आपके पास लिस्ट हो गया, मुझे कोई 2-3 एसेज लिख के दिखा सकते हैं. जी जी मैं दिखा देता हूँ सर. मैं भी वही पूछना चाह रहा था कि सर मैंने जो है ना प्रैक्टिस टेस्ट है ना जो, वो मैंने एक दो कंडक्ट किए हैं उसमें ना, राइटिंग में भी और स्पीकिंग और इस तरह में ना. ठीक है. राइटिंग में सर मैंने देखा है कि जो मैंने 3-4 टेस्ट किए हैं वो, उसमें सर दोनों में इशू आ रहा है मुझे. मतलब ये है कि समराइज रिटन टेक्स्ट जो है ना पहला क्वेश्चन, उसमें जो फॉर्मेट आपने बताया है ना एज इट इज ऐसे ही किया, यानी फर्स्ट लाइन उठा ली, यानी वो एवरेज वर्ड्स की जो आप जिस तरह आप कहते हैं और उनको कंजक्शंस के साथ हमने किया है ना, तो बाज़ औकात वो सॉफ्टवेयर जो है ना उसके पूरे पूरे नंबर दे देता है. ठीक है. लेकिन बाज़ औकात क्या करता है वो, उसने ऐसे ही वो सेम मेथड से, मैंने 2 टेस्ट फर्स्ट किए उसने मुझे 90-90 नंबर पूरे दिए हैं उसमें, लेकिन अगले टेस्ट में मैंने किया सेम इज इट इज एज इट इज किया, लेकिन उसके मुझे जो है ना वो बिल्कुल ही 30-40 नंबर उसने दिए, यानी बिल्कुल पूरे नंबर नहीं दिए. एक तो ये, एक तो ये है सर. दूसरा ये है, ये मैंने पूछना था कि इसमें आया कोई मेरी उसकी सेंस नहीं बन रही उस वजह से उसने नंबर काटे हैं, या क्या किस तरह कोई चक्कर है. दूसरा ये सर, उसमें ऐसे राइटिंग में उसमें भी सर वो मैंने देखा है कि वो जो है ना उसने सॉफ्टवेयर में मतलब वैसे ही लिखा तो उसने मुझे अच्छे ठीक यानी सही नंबर दिए हैं, यानी 80+ नंबर वो दे देता बाज़ औकात ना, लेकिन कभी कभी वो जो है ना वो 20-30 यानी 40 पे ही वो मतलब वो कर लेता है, कि यानी वो टेम्पलेट वही यूज करते हुए उसकी. चलो ऐसे राइटिंग की तो मुझे मतलब आती है समझ के, चलो उसमें तो आगे पीछे या उसकी कोई मैंने वो नहीं लिखे होंगे सही के उसके, अगर किसी के बेनिफिट्स पूछे या ड्रॉबैक वो प्रॉपर उसको सही कन्वे नहीं हो पाए. लेकिन उसकी समराइज रिटन टेक्स्ट में सर उसकी समझ थी, क्योंकि उसने सेम एज इट इज वो तो पैराग्राफ है जिस तरह आपने कंजक्शन के साथ बताए, बाज़ औक़ात वो नंबर पूरे भी देता है लेकिन बाज़ औक़ात वो नहीं काट लेता, इसका पता नहीं क्या चक्कर है. अच्छा एक मिनट, मैं देख रहा हूँ अगर मुझे आपका कहीं पे वो मिल जाए कोई. आपने वो पूरा पूरा किया था कि थोड़ा किया हुआ है. मैंने सर मैंने किया है 70-75 वर्ड्स के दरमियान में करता हूँ, बाज़ औक़ात 68-67 भी हो जाते हैं. ठीक है. मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आपने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं अगर उसका कोई रिकॉर्ड है मेरे पास. वो रिपोर्ट सर उसी से निकला है, एनालिटिकल रिपोर्ट से मैं देखता हूँ ना, तो उसको अपने खुद से वहां से मैंने देखे हैं सर. आप मेरा पोर्टल अगर ओपन कर ले तो उसमें अगर देखें तो मैंने वो किए हुए हैं. जी जी मैं आपके कब वही खोल रहा हूँ. बिल्कुल. अच्छा ठीक है. लिसनिंग के अंदर 51, 54, 61. राइटिंग का सर चेक करें आप. जी जी मैं अभी देख लेता हूँ. राइटिंग के अंदर है 46, राइटिंग के अंदर है 58. अच्छा ठीक था. पैसेज ब्रांड समराइज हूँ. ठीक है. अच्छा जी इमरान आप लाइन पे रहिएगा, मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ. ओके सर.
अच्छा, जहां तक ये आपका भी मैंने ये देख लिया, जो समराइज रिटन टेक्स्ट है आपका, ठीक है, इसके जो सर. आपकी अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई पोटेंशियल इशू नहीं है, ठीक है जी. तो रिगार्डलेस के आपको सॉफ्टवेयर अगर ऊपर नीचे नंबर दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा. एक चीज है छोटी सी, आपने भी देख ली होगी कि जब ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है तो आई थिंक उसके फिर स्पेलिंग में गलती का मार्जिन नहीं होना चाहिए. वो सब ठीक है, स्पेलिंग का मुझे पता है, ठीक है, स्पेलिंग अगर इशू है तो उसके, लेकिन वो जो सेवन जिसमें 76 आए ना सर, उसमें भी स्पेलिंग इश्यूज हैं, लेकिन उसके इतने नंबर नहीं काटे उतने, इसका मतलब है स्पेलिंग के नंबर नहीं इतने वो काट रहा, लेकिन फिर भी वो मुझे पता है कि वो मिस्टेक है, वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके इतने नंबर डिटेक्ट नहीं करता वो सर, क्योंकि वो नीचे वाले में भी स्पेलिंग के उतने ही इशू है और शायद उसमें इतने इशू भी ना हो, लेकिन ऊपर वाले में इशू है लेकिन उसमें उसने नंबर दे दिए. और ये जो नीचे वाले हैं ना सर, जब ये सॉफ्टवेयर जो है ये उन्होंने कल परसों जब हुआ है ना ये दोबारा उसने रीवो किया है, तो उस वक्त ये किया है, मैं तो ये समझ रहा था शायद उन्होंने मजीद टाइट कर दिया है, स्टूडेंट ये ना समझे कि आपको नंबर आ रहे हैं. ये आपने जज कर लिया तो अच्छी बात है, ये हुआ है वैसे. अच्छा, यानी वो उस सेंस में फिर ज्यादा वो कहता कि ठीक मेहनत करें. और देखें अभी आप लोग, हालांकि अभी करंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी देना है, मैं मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अभी कुछ देख रहे हैं कि कुछ पिछले 15-20 दिनों से पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अगर रीजन की बात करूं, जो जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके बैंड हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ा देते हैं. बढ़ाने से मुराद ये है कि उसमें मार्किंग टाइट कर देंगे. अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर वो इतनी हाँ. इतनी ज्यादा टाइट नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जैसे एक लेवल के ऊपर अगर लेट सपोज 70 था तो उसको कम हाँ. करके 65 कर दिया. सही है, यानी सर जो आपने अप्रोच बताई है जैसे हमने किया वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है. कोई इशू नहीं, वो आपकी, मैं वही देख रहा हूँ, मैं आपके आंसर के या आपके जो उसने नंबर दिए उस पर नहीं जा रहा, मैंने वो चीज देखनी है जो कि मैंने आपको बताई है, आप वो फॉलो कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई इशू नहीं. जी अच्छा जी, आपको मैं देख लेता हूँ. आपने इन अपनी एनालिटिक्स की रिपोर्ट देखी है, वो भी आपको आती होगी शायद साथ. सर वही देखता हूँ मैं ज्यादा, सबसे पहले तो वही देखता हूँ. वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, वो आपको सही बताती है, ब्लैक जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट आपको पूरा देती है कि यार अच्छा जी है. सर मैंने फिर वो भी जज किया सर उस एनालिटिकल रिपोर्ट से ना, ये भी एक वो फार्मूला निकाला जैसे सर आप बताते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन के मार्क्स जो है ना परसेंटेज के हिसाब से वो ज्यादा होते हैं, जैसे हमने राइट फ्रॉम डिक्टेशन या इस तरह के वो करते हैं तो किसी के वो मार्क्स कम है, उसकी मैंने एवरेज भी इस सेंस में निकाली हुई है ना कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स दे रहा है वो उसी रिपोर्ट से. तो वो वहां से पता चल जाता है कि कितना कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट ज्यादा है, कौन सा लीस्ट इम्पोर्टेंट है. कुछ जगहों पे इमरान आपकी स्पेलिंग की काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं. स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं वो सर मुझे पता है, लेकिन उसको मैं कर लूंगा, स्पेलिंग का इतना इशू नहीं है, वो मुझे पता है कि जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी अपनी वो है ना उसको मैं कर लूंगा सर, उसका इतना इशू नहीं है. बाकी मैं बिल्कुल ऐसे ही हूं, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस करते हुए तो बंदा इतना एक केयरलेस ही होके करता है, लेकिन जब एक्चुअल जब करता है तो वो बंदा उस पर कवर कर लेता है. लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मुझे ना पता हो और सर आप वो कर लें तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बंदा वो फिर कवर कर लेता देख के. बिल्कुल. अच्छा, एक ये आपने ऐसे लिखा है जो कि आई थिंक द टाइम पीपल डिवोट इन जॉब, आई थिंक ये 170 वर्ड्स का आपने लिखा है. ये वर्ड्स का भी इशू था, लेकिन जिसमें मेरे सबसे कम नंबर आए हैं उसमें वर्ड्स भी 213 हैं, यानी 200-300 के दरमियान है.
जो टेस्ट का एल्गोरिदम जिस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ये पहली चीज तो ये है कि ये एल्गोरिदम है एग्जैक्टली जैसे पीटी के सॉफ्टवेयर ने काम करना है, ठीक है। तो इस चीज को हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज हमें थोड़ा सा केयरफुल करती है कि अच्छा अगर ये चीज वैसी है तो हमारे नंबर क्यों कटने चाहिए। अभी जो मैं मेरे सामने आपका एक ऐसे खुला हुआ है, उस ऐसे के अंदर एक तो ये, अच्छा उस ऐसे के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, एक तो ये कि वर्ड्स कम है, 170 वर्ड्स लिखे हुए 200 की बजाय, जो कि क्लियरली आपके जो है वो 20% मार्क्स काटेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर 6 स्पेलिंग की गलतियां हैं, ठीक है, जो कि बहुत अब 6 नंबर काटेगा कम से कम पर वर्ड। इसके अलावा तीसरी मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि जब पैराग्राफ आप खत्म कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ दो नंबर कर दिया, ठीक है। जो पैराग्राफ है आप उस पैराग्राफ को जो है वो नेक्स्ट लाइन से अगला पैराग्राफ शुरू नहीं कर रहे, आप उसी लाइन से शुरू किया है। और तीन चीजें तो ये हो गई। अच्छा ठीक है, इसके अलावा कितना कंफर्म डायरेक्ट और ड्रॉबैक्स ऑफ, अच्छा थोड़ा सा दिखाना, चल मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ में जरा शेयर करता हूँ। चलो इमरान जी आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है सर। अच्छा इसमें कुछ सीधी सीधी गलतियां, एक तो एक है वर्ड्स की गलती, ठीक है, दूसरा स्पेलिंग की गलती। जो आपने लिखा है ना, जो एक तरतीब होनी चाहिए या जिस तरह से हमें वो, उसमें वो कोई वो उसमें इशू नहीं है, ठीक है, मुझे कंटेंट में कोई इशू नहीं है। ठीक सर, जो ये जिस तरह आप एक बता रहे थे मिस्टेक उसकी के वो पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखा, सर मैंने वहां पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये जब जहां पे मेरा पैराग्राफ फिनिश हुआ है ना, फिर मैंने उसको क्लिक करके नेक्स्ट उसमें लिखा है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे ही शो करता है। अच्छा ठीक है चेंजेस आए हैं अपडेट होने के बाद, हो सकता है। और दूसरा ये मैंने आपसे पूछना था, ये आपने इंटेंशनली लिखा हुआ कि अनइंटेंशनली किया है? ये इंटेंशनली नहीं हुआ सर, ये अनइंटेंशनली हुआ, इनका मुझे सर आइडिया है। मैं अभी आपको आप दो तीन जो ऐसा ना सर वो आप जिस तरह कह रहे हैं मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जी प्लीज, क्योंकि इस अभी जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसमें जो आपकी अप्रोच है वो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन थोड़ी सी इररेगुलर किस्म की मिस्टेक्स लग रही है जो कि होनी नहीं चाहिए। तो जैसे ये मैंने आपको स्पेलिंग की बताई है, इस तरह से चीजें हैं या वर्ड्स कम लिखे हैं, जरा अगर आप मुझे प्रॉपर सिर्फ दो से तीन ऐसे लिख के दिखा दोगे तो मेरी तो सही। मैं आपको सर दो तीन ऐसे जो है ना लिख के आपको दिखा देता हूं, उसको मैं आज सेंड कर दूंगा, मेल कर दूंगा। हां ये बड़ा अच्छा हो जाएगा।